राम 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 मैं संजीव कुमार शर्मा आशा संस्था से आया हूँ क्या आप मुझे अपना परिचय देंगे मेरा नाम सुरेश चंद आंजना ग्राम बरखड़ा नजीक में रहता हूँ और मैं आशा संस्था का एफ एफ एस का लीडर हूँ आज आप क्या करने जा रहे हैं भैया रसायन दवाई को दवाई छाटवाने विदिनो दवाई छाटवाने जय रो हूँ तो किस फसल में जा रहे हो भैया कौन सी फसल ऐसा कौन सा कीड़ा है जो आपको परेशान कर रख दिया सोयाबीन की फसल का अंदर जो कीड़ो है उन्हें रिंग कटर है तो रिंग कटर कहीं है कि कणी दवाई से कंट्रोल नहीं हुई जो रसायन दवा है इन्हें कंट्रोल करेगा भैया ऐसा क्या कर दिया गड़ल बिटल ने कि आप रासायनिक विधि का ही उपयोग कर रहे हैं और कोई विधि का उपयोग नहीं कर रहे हैं भैया हमें और कणी विधि उपयोग नहीं कर सकता और गटर विटर ज्यादा पड़ेगी हम रसायन दवा को विधि को ही उपयोग करेंगे रासायनिक विधि का उपयोग करने से भैया क्या फायदा होगा हमारी सोयाबीन की फसल में भैया रसायन विधि से उपयोग करना से ये फायदा होगा कि सोयाबीन के जो जो कीड़ो लागे वो मरी जाएगा और हमारा पौधो अच्छा रहेगा स्वस्थ रहेगा वहीं हमारे पौधा में नुकसान नहीं होगा और हमारे इनकी उपज अच्छी मिलेगा और खूब लाभ मिलेगा सोयाबीन की फसल में गड्डल की रासायनिक विधि से रोकथाम के लिए भैया हमको कौन कौन सी सामग्रियों की आवश्यकता पड़ेगी हमें इसमें 330 लीटर पानी की जरूरत होती है और इसमें ट्राइजो रसायन की 340 सौ एम एल की जरूरत होती है और इसमें स्प्रे पंप की आवश्यकता होती है दवाई मिलाने के लिए इसमें प्लास्टिक के मग्घे की आवश्यकता होती है घोल बनाने के लिए लकड़ी की आवश्यकता होती है हमें रसायन से बचने के लिए हाथों में दस्ताने की जरूरत पड़ती है गमछे की जरूरत पड़ती है चश्मे की जरूरत पड़ती है टोपी की जरूरत होती है पैरों में पहनने के लिए जूतों की आवश्यकता पड़ती है भैया जो आप बोल रहे हैं कि आप रासायनिक विधि द्वारा सोयाबीन की फसल में गडल बीटल का कर रोकथाम करेंगे तो यह प्रक्रिया आप हमें करके दिखाएंगे भैया हाँ हम आपको करके दिखाएंगे ना? हम पहले तो मुंह पे गमछा बांधेंगे हम चश्मा लगाएंगे फिर में टोपी पहनेंगे जूते पहनेंगे हाथों में मोजे पहनेंगे पहले हम एक लीटर पानी लेंगे प्लास्टिक की बाल्टी में <laughs> इसमें हम 25 एम एल दवाई डालेंगे भैया एक बात बताओ आपने प्लास्टिक की बाल्टी में क्यों घोल बनाया सीधा पंप में क्यों नहीं डाला दवाई भैया इसलिए इसमें प्लास्टिक की बाल्टी में घोल मिलाया क्योंकि इसमें दवाई अच्छी तरह से घुल जाती है और दवाई का मिलान हो जाता है और उसके अंदर डालने से दवाई अच्छी तरह से नहीं मिल सकती इसलिए हमें प्लास्टिक की बाल्टी के अंदर दवाई डाल के मिलाते हैं इसके बाद इसके अंदर हमने चौदह लीटर पानी डाला हुआ है तो इसमें एक जो घोल बनाया हुआ है उसके टंकी के अंदर डाल देंगे इसके बाद हम इसके अंदर लकड़ी से अच्छी तरह इसको मिला देंगे अब हम इस तैयार घोल को छिटकते हैं भैया आपने ये बता दिया कि अब इस तैयार घोल को हम छीटेंगे तो भैया ये तो बताएं हमारे किसान भाइयों को कि एक एकड़ में कितनी टंकी लगेगी और एक बीघा में कितनी टंकी लगेगी भैया एक एकड़ में उन्नीस टंकी लगेगी और अगर एक बीघे में छाटते हैं तो दस टंकी लगेगी भैया ये बताइए कि ये छिड़काव आप किस तरीके से कर रहे हैं किस तरह करें हमारे किसान भाई की कीड़ों का अच्छी तरह से नियंत्रण हो जाए भैया अच्छी तरह से इसको नीचे की तरफ लगाएं और ऊपर की तरफ लगाएं कि जो कीट है वो नीचे से भी पत्तों की इससे सब कीट के रोकथाम हो जाएगी भैया दवाई छिटने से पहले और दवाई छिटते समय आप क्या क्या सावधानियां रखते हैं भैया दवाई छिटकते समय रसायन की और पानी की उचित मात्रा का हमें ध्यान रखना चाहिए भैया दूसरी साधन ये मुंह पे गमचा और हाथों में मोजे और पैर में जूते और आंखों में चश्मा और सिर में टोपी होना जरूरी है भैया ये सब पहनना क्यों जरूरी है भैया इससे पहनने से क्या है कि हमारे शरीर को कोई दवाई का छू नहीं सकती है तो हमारे दवाई हमारे शरीर को कोई हानि नहीं होगी और हमारे कोई नुकसान नहीं होगा आंख में दवाई नहीं जाएगी मुंह में गैस नहीं जाएगा शीर में दवाई नहीं लगेगी इसलिए हमें इसको पहनना जरूरी है अच्छा भैया अच्छा और भैया दवाई हमेशा हवा की दिशा में ही छिड़काव करना चाहिए भैया हवा की दिशा में क्यों छिड़काव करना चाहिए विपरीत दिशा में करने से क्या हानि है भैया हवा की दिशा में छिड़काव करने से और हवा की दिशा में क्या है कि अच्छा उसका उपयोग हो सकता है और भैया दवाई का उपयोग सुबह या शाम को ही करें दवाई का उपयोग दोपहर में नहीं करना चाहिए भैया दोपहर में तो ऐसा है अच्छा मौसम खुला हुआ रहता है हम क्यों नहीं कर सकते दोपहर में दवाई का उपयोग छिड़काव क्यों नहीं कर सकते भैया दोपहरी में छिड़काव इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो दवाई की जो गैस बनती है जो वाश बनता है उससे आदमी को जो दवाई छिटकता है उसको भी नुकसान है हाँ? और दूसरी बात यह है कि जो कीड़े रहते हैं हाँ? वो सुबह और शाम को ठंडे मौसम में ऊपर आ जाते हैं और गर्मी के टाइम पे वो नीचे चले जाते हैं इसलिए वो दवाई का उपयोग नहीं हो सकता है इसलिए हमें सुबह या शाम को ठंडे मौसम में इसका उपयोग हाँ। हमारे खेत में गाय भैंस और ढोर को भी नहीं आने देना चाहिए भैया छिड़काव किए गए खेत में ये पशुओं को क्यों नहीं आने देना चाहिए हमारे खेत में ढोर और पशु इसलिए नहीं आना चाहिए क्योंकि जो पत्ती रहती है उनको खाएंगे वो तो उससे क्या है कि ढोर बीमार होएंगे और वो मर भी सकते हैं इसलिए उनको खेत में नहीं आने देना चाहिए सुरेश भैया और क्या सावधानी रखनी चाहिए हमें छिड़काव के बाद और भैया जैसे कि दवाई के डिब्बे रहते हैं इनको खत्म होने के बाद अच्छा खड्डा खोद कर या गड्ढा हो तो उसके अंदर डाल के उनको नष्ट कर देना चाहिए भैया ये गड्ढा हम क्या खेत के पास ही खोद सकते हैं कि खेत से दूर गड़ाना चाहिए उनको नहीं भैया क्योंकि खेत से दूर गड़ाना चाहिए क्योंकि उससे पानी भी दूषित नहीं होगा और कोई जानवर भी उसको छू नहीं सकते इसलिए उसको जमीन के अंदर दूर जाके गाड़ देना चाहिए गड्ढे के अंदर और भैया ये जो खाली डब्बे जो रहते हैं हमारे इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड जो कीटनाशक डब्बे जो रहते हैं जी उनको क्या बच्चों को खेलने के लिए दे सकते हैं नहीं क्यों नहीं देना चाहिए भैया भैया उससे जो तो नुकसान होगा अगर बच्चों को दे सकते हैं तो वो ज्वलनशील रहता है वो बच्चे बच्चे को बीमार कर सकता है उनको छूने से कोई भी बीमारी उसको फैल सकती है अच्छा इसलिए उनको नहीं देना चाहिए क्योंकि तो डब्बे तो लाना ही नहीं चाहिए भैया जैसे कि आज आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी कि हम सोयाबीन की फसल में गडल बिटल की रोकथाम रसायन विधि द्वारा करें और इससे कई किसानों को फायदा होगा लेकिन हम ये आपसे और जानना चाहेंगे कि इसमें क्या लाभ होता है भैया ये जो जो दवाई आपने बताई थी वो उसको छिड़काव करके भी बताया बहुत अच्छा लगा हमें भैया रसायन दवाई का उपयोग करने से कीड़े मर जाएंगे सब और इससे नुकसान कम होगा और अगर नुकसान कम होगा तो फसल अच्छी होगी फसल अच्छी होगी तो उपज भी बढ़ेगी और उपज बढ़ने से किसान के बाद पैसा ही पैसा हो जाएगा जैसे कि आपने अभी हमें इतनी अच्छी विधि बताई है लेकिन कुछ किसान भाई हमारे इस विधि का उपयोग नहीं करते हैं और बहुत आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है उनको तो क्या आप उन किसान भाइयों को कुछ संदेश देना चाहेंगे मैं किसान भाइयों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो कि उनके खेत में 25 परसेंट से ज़्यादा रिंग कटर हो गई हो तो उनको रसायन दवाए का उपयोग जो बताई गई है इस विधि से उपयोग करें तो उनको बहुत आर्थिक आर्थिक लाभ होगा सुरेश चंद जी आज आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी उसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते आपको हैं। भी बहुत बहुत धन्यवाद